जनपद बहराइच पीड़ित ने लगाया सिपाही पर आरोप। सिपाही की कार्यशैली से परेशान पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। बहराइच जनपद के सीमावर्ती थाना क्षेत्र रुपईडीहा से एक अनोखा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें नवागांव निवासी पीड़ित युवक ने सिपाही के खिलाफ को एसपी से ऑनलाइन शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित कृष्ण श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव, जो रुपईडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवागांव का निवासी है, पीड़ित का कहना है कि उसका जमोग बाजार में भी एक मकान है, लेकिन पूरा परिवार नवागांव में ही रहता है, जिसमें दिनांक 4/9/2024 को रुपईडीहा थाना क्षेत्र के सिपाही राम आशीष वर्मा के द्वारा फोन पर उनके घर में चोरी के सामान रखे होने की सूचना देकर जांच की बात कही। पीड़ित जब घर की चाबी लेकर अपने जमोग बाजार स्थित मकान पर पहुंचा तो वहां पर रुपईडीहा थाने के सिपाही राम आशीष वर्मा व डीपी सिंह अपने दो अन्य लोगों के साथ वहां पर मौजूद थे। पीड़ित के द्वारा मकान खोलकर दिखाया, दोनों सिपाहियों ने पूरी घर की तलाशी ली, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सामान घर में बरामद नहीं हो सका, जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला ऑनलाइन शिकायत करके फर्जी तलाशी को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है, सिपाहियों के द्वारा बिना किसी सर्च वारंट या किसी आदेश के ही तलाशी देने के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि वह गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है तथा वह डरा व सहमा हुआ है। भारत न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाए। कहाँ रहते हैं? नाम अमित श्रीवास्तव है, ग्राम नवा गाँव। अच्छा, आज आपने सीओ साहब की एप्लीकेशन लिया, क्या मामला है? जी, मामला ये है, कल 11 बजे हमारे पास फोन आया, सिपाही राम आशीष वर्मा का, उनका फोन आया कि आपके घर में जमोग भी हमारा घर है। तो वहाँ आया फोन, तो हम लोग जब वहाँ गए तो उन्होंने फोन पे ये बताया, फोन पे ये बताया कि आपके यहाँ कुछ अवैध सामान रखा है, आइए चाबी लेके। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो जयसपुर के दो आदमी वहाँ थे, जयसपुर के दो आदमी वहाँ थे, मौजूद थे, और दो वो राम आशीष वर्मा और डीपी सिंह, दो आदमी थाना रुपईडीहा के सिपाही, ये थे दो लोग। घर की तलाशी ली गई, घर पे कुछ बरामद नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग वहाँ से चले आए। अच्छा, उसके बाद जयसपुर वाले फिर वो दो आदमी हमारे घर आए, गाँव यहाँ नवा गाँव वापस, उसके बाद फिर वो लोग चले गए। अच्छा, वो कौन आदमी जानते उनको? अब नहीं जानते हैं। क्यों आए वो आपके पास? वो आए ये जानकारी लेने के लिए आए कि ये ही सामान लिए हैं। अच्छा, इन्हीं के पास हमारा सामान रखा है, क्योंकि घर हमारा है। अच्छा, तो सामान भी हमारे पास होगा ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो लोग वापस चले गए। उसके बाद अब फिर हमको बाद में जानकारी ये मिली कि सामान बरामद हो गया है, उनको मिल चुका है। अच्छा, क्या सामान था ये? सामान था 50 किलो कुछ घंटी बता रहे थे वो लोग, और बता रहे थे 2 पेटी शराब की थी। अच्छा, बरामद हुआ। अब सीओ साहब के एप्लीकेशन दिया आपने, क्यों दिया है? इसी के लिए दिया है कि आगे भविष्य में कोई ऐसी समस्या ना हो आपके, हमारे पास। अच्छा, हमारे लिए। अच्छा।